तो अभी अभी हमने क्या किया, हमने ट्रीम लगा, क्लीन लगा के हमने इस सुजीत कुमार को जो है, या जो आपका रैप टेक्स वाला सुजीत कुमार है, उसको आपने क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। पर प्रॉब्लम है कि अब तो यहाँ पे ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि सुजीत फर्स्ट नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है। तो हमें सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी सेल के अंदर, मैं यहाँ पे अब आता हूँ, किसी सेल के अंदर अगर कोई करेक्टर है, मुझे किसी सेल के अंदर किसी करेक्टर को अनदर करेक्टर, किसी करेक्टर कहिए, वर्ड कहिए, सेंटेंस कहिए, उसको अनदर करेक्टर से रिप्लेस करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डॉट, मुझे इस डॉट को डैश में कन्वर्ट करना है। इस डॉट को किस में कन्वर्ट करना है, डैश में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में हम वो लेटर, वर्ड या सेंटेंस देंगे जिसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है वो हम उसके बाद देंगे, जैसे मुझे यहाँ डैश से करना है। एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने आ गया डैश, दोनों आ गया डैश। अब इसमें यहाँ इंटेक्स क्या होता है कि जितने भी लेटर है सबको कर देगा, लेकिन इसमें एक इंस्टेंस नंबर जो कि ऑप्शनल है, मतलब कि हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। इसमें इससे क्या है कि इसमें आपको यह है कि इससे आपका नंबर डाल दीजिए कि मुझे पहले को रिप्लेस करना है, तो पहले को रिप्लेस कर देगा। आपको यहाँ दूसरे को करना है तो यहाँ डाल दीजिए दूसरा, तो दूसरे को कर देगा। अब हमने सब्स्टिट्यूट पढ़ा है, सब्स्टिट्यूट पढ़ने के बाद हमें रिप्लेस पढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों एक जैसा है। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस फॉर्मूला सेम वर्क करता है। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर पोजीशन के हिसाब से, जैसे मुझे चौथा नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को हमें स्लैश में बनाना है। हमने बोला कि H2 के अंदर चौथे नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को स्लैश करना है, तो स्लैश हो गया। अब इसमें अगर मैं मान लीजिए कि एक एक की जगह पे दो कर दूंगा तो स्लैश इवन डैश और थ्री दोनों को रिप्लेस कर देगा। देखिए डॉट और थ्री दोनों को रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस फॉर्मूले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि हम यहाँ कैसे करें, क्योंकि ये जो हमने सुजीत और कुमार के बीच में जो हमने रैप टेक्स्ट कर रखा है, तो रैप टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें ऑल्ट एंटर की जरूरत पड़ती है। तो क्या मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की मदद से इसको सेलेक्ट करूं और इन्वर्टेड कॉमा में ऑल्ट एंटर प्रेस करूं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका यूज हमें करेंगे यहाँ कैर एंड कोड फॉर्मूला हमें इसकी मदद देगा। तो हम किसी एक सेल के ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और फिर मैं यहाँ कोड फॉर्मूला लगाऊंगा। कोड फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि इस रैप टेक्स का कोड क्या है, तो ये है आपका 10। मतलब मैं कैर फॉर्मूले के अंदर में 10 डालूंगा तो सेम करेक्टर हमें रिटर्न होगा। तो क्यों ना जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो हम इसको सेलेक्ट करें और बोले कि कैर के अंदर में 10 और यहाँ पे हमने बोला कि इसको स्पेस कर दीजिए। आ गया,